दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक जगह जा रहे हैं जिसका संबंध भगवान परशुराम जी से जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम चलते हैं सीधे नवा शहर है। नवा शहर का फट्टी बसा चौक बोलते हैं इसको, शहीद SBS नगर का। यहाँ से रकासन के लिए लेफ्ट टर्न करना पड़ता है। ये देखिए आप हमारे साथ चलिए। नवा शहर पंजाब से राजीव जोशी जी हमारे साथ उस गांव तक चल रहे हैं। उस गांव का नाम है रकासन। उसके बारे में राजीव जोशी जी हमें सारी जानकारी देंगे। रकासन गांव नवा शहर से 19 किलोमीटर दूर है। अभी हम जिस जगह पर हैं ये उस्मानपुर का चौक है। ये देखो पंजाबी में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है भगवान परशुराम जी का। यहाँ हम जा रहे हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये चौक है उस्मानपुर चौक। और ये जो मेरे पीछे रोड जो आ रही है ये रोड राहों से आती है और ये बलाचौर को जाती है। और यहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे। हम आ रहे हैं नवा शहर से। इधर नवा शहर है, ये पेड़ के नीचे गांव के पास सब लोग बैठते हैं। देखो बरगद का पेड़ कितना बड़ा है। ये भगवान परशुराम जी का ननिहाल है। अभी ये मंदिर बन रहा है यहाँ पर। मंदिर का निर्माण कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 29 तारीख को भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये दरवाजे पर एक बोर्ड लगा जिस पर लिखा है गांव रकासन जन्मस्थली भगवान श्री परशुराम जी। अब हम अंदर चल कर के देखते हैं कि अंदर से ये मंदिर कैसा लगता है। आओ मेरे साथ, आप भी चलो अंदर चलते हैं। ये भगवान परशुराम जी का मंदिर है यहाँ पर रकासन गांव में, जहाँ भगवान परशुराम जी का ननिहाल है। यहीं पर उनका जन्म हुआ था। एक ये माता रेणुका है, ये भगवान परशुराम जी की मूर्ति है। यहाँ देवादेव श्री महादेव जी और माता पार्वती हैं। माता शेरों वाली की मूर्ति है और यहाँ राधा कृष्ण जी है। ये यहाँ पर भगवान परशुराम जी की आरती लिखी हुई है और यहाँ शिवलिंग, शिव परिवार, पंडित बाजदेव जी। माता रेणुका मंदिर, गांव रकासन, डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर। माता रेणुका जी का मंदिर अभी बन रहा है। अभी पहले तो किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर जो परशुराम जी के फॉलोवर हैं, अनुयायी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। ये रेणुका माता जी का मंदिर है, भगवान परशुराम जी की माता जी का। बेटा उरे मर जे कर दियो। ये भगवान परशुराम जी की माँ रेणुका जी का चित्र है जो अभी आप देख रहे हैं। भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। यहाँ उनका बचपन गुजरा है, यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। और यह काफ़ी सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे कुछ खुदाई में निकली है। कुछ लोगों ने जागरूक होकर के यहाँ किया। यहाँ की एक कमेटी बनाई गई है, उसके सारे सदस्य जो है पूरी लगन के साथ इसको बनाने में लगे हुए हैं। मंदिर को सब लोग इस कमेटी के मेंबर हैं जो
तन मन और धन से अपना कीमती समय देकर के इस मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं और ईश्वर की कृपा से यह मंदिर हम इतिहास में दर्ज करेगा ताकि लोग यहाँ आएं और आकर के मिलकर के इस मंदिर को देखें, इस भव्य मंदिर को। हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो टाइम के साथ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, लेकिन ऐसे जो लोग अपने तन मन धन से लग करके ऐसी चीज़ों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर इनको शक्ति और एक दृढ़ विश्वास के साथ साथ दे। मैं इनसे आप बात करवाता हूँ आपकी। मैं लखपत राय प्रभाकर, जनरल सेक्रेटरी ब्राह्मण सभा पंजाब। अज असी सारे भगवान परशुराम जी की जन्म स्थली पिंड रकासन, रकासन का अर्थ है ऋषियों का आसन, भाव ये वो पवित्र स्थान है जिथे ऋषि मुनि आके तपस्या करते सी और अपने मन वंचित जिहड़ा है योग बल दे नाल भक्ति दे नाल वो अपना इत्थे इस स्थान दे उत्ते आके अपने तपस्या करया करते सी और इस स्थान दे उत्ते भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान होने करके माता रेणुका जी का बिल्कुल जिहड़ा तुहानूं मैं सामने स्थान दिखा रहा ये पिंड चराण है जी और ये पुराना पिंड चराण है और ये माता रेणुका जी का जिहड़ा है ये उन्हां दा मायके गांव दा हैगा। ये महल था राजा चाणक जी उन्होंने पिता जी का नाम सी और इस स्थान के उत्ते रहा करते सी। अज भी यह स्थान जिहड़ा है तुसी देख रहे हो कि बिल्कुल टिले के रूप के विच तुसी देख रहे हो और दर्शन कर रहे हो और मैं बलहारी जाना इस पवित्र स्थान दे कि इस दे बिल्कुल जिहड़ा सामने जिथे आप हुण खड़े हाँ ये माता रेणुका जी का समाधि स्थल है और इधरली साइड के उत्ते भगवान परशुराम जी का जिहड़ा तुसी पिछे मंदिर देख के आए हो ये समाधि स्थल दे तुसी दर्शन कर रहे हो और ये पिंड रकासन दे विच स्थित है। शहीद भगत सिंह नगर इस जिले का नाम है जी और ये पवित्र स्थान के उत्ते भगवान परशुराम जी ने जन्म लिया और इत्थे इत्थों की ब्राह्मण सभा पंजाब दे वल्लों 29 मई नूं बहुत भारी सम्मेलन जिहड़ा उन्हां दा शहीद अपने भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव जिहड़ा मनाउण वास्ते इत्थे जा रहे हैं उसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों नाल चल रही हैं। मैं इत्थों के सारे ब्राह्मण सभा के जिहड़े पदाधिकारी नवां शहर के ने, बंगा के ने, फगवाड़ा दे सारे मेरे ना अलग अलग स्थानों तो अज फिर इतने इस उत्सव मनाने वास्ते तैयारियों वास्ते मतराए ने। मैं ब्राह्मण सभा पंजाब वालों इन्होंने सारियां का धन्यवाद करता कि इस पवित्र स्थान के जिहड़ा सारे दर्शन करने का जिहड़ा मौका करवा रहे हैं। मैं तुहाडा भी बहुत मीडिया का बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने इस स्थान में जिहड़ा कवर करने की कोशिश की है। 29 मई बहुत इतिहासिक जिहड़ा है इतने उत्सव मनाया जा रहा। मैं एक बार फिर ब्रह्म सभा पंजाब वालों तुहाडा भी धन्यवाद करता जिन्होंने ये पूरा जिहड़ा इस मीडिया का पंजाब का जिहड़ा है ये पूरा कवर करने वास्ते इत्थे आए हो। तुहाडा बहुत दिल तों गहराइयां तों धन्यवाद। परमात्मा भगवान परशुराम जी तुहाडे ते भी कृपा करन, तुसी होर बुलंदियां नूं तुहाडे मीडिया छूए और इस तरह ये तुसी सारे पंजाब की सारे भारत की सारे जिहड़ा संसार नूं जिहड़ा है तुसी ये पूरा दा पूरा जिहड़ी जानकारी देण दे विच साडा सहयोग कर रहे हो। मैं बहुत बहुत दिल दी गहराइयों तों धन्यवाद तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। 29 मई को यहाँ भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। ये स्टेट लेवल का है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आएंगे। दोस्तों अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। कृपया कमेंट्स करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।